तारों की झिलमिल, ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल। आइए राधा जी, आइए आइए। नमस्ते। अरे वाह, नमस्ते। कमाल हो गया आज तो। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग समय से 10 मिनट पहले ही आ गए। सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन राधा, तुम एक बात पे गौर कर रही हो, भेड़ बकरी के झुंड में और एक सभ्य समाज में कुछ फर्क तो होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए फर्क। ये क्या कि आए और ऐसे ही लबड़ जबड़ बैठ गए? भाई तरतीब से अनुशासित ढंग से बैठो, बैठो जल्दी। शाबाश मनीष भैया, बात तो तुम बड़े पते की कह रहे हो। हाँ। ये लोग पहल हम ही करते। अरे राम जी भला करे। चलो नहीं, तुम सभी भी एक के पीछे एक हो जाओ, जो बात कह देती हो वो तो माननी ही पड़े। बिल्कुल कह दिए। हाँ ये हुई ना अच्छी बात। आप लोग मनीष जी की बात समझे कि नहीं? उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी पाठशाला में आके कमर झुका के बैठे। चलिए सुस्ती छोड़िए और सीना तान के पालती मार के बैठ जाइए। दीदी ये देखो मैं सही बैठा हूँ, एकदम अटेंशन। बिल्कुल ठीक, सभी को ऐसे ही बैठना चाहिए। हाँ। नहीं तो बेकार इस शरीर में खिंचाव होगा। नहीं ढीले भी बैठिए तो ऐसे बैठिए कि शरीर खींचे नहीं। हाँ। नहीं तो आप ही लोगों को दर्द होगा। हाँ। और देखो साथियों एक बात और कि अगर केंद्र में अनुशासित तरीके से बैठने का असर व्यक्ति के पूरे जीवन पर आगे चलकर पता लगता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी। पर भैया वो कैसे? साथियों तुमने कभी गणतंत्र दिवस की परेड देखी है? मनीष भैया सैनिकों की वर्दी भी तो कितनी अच्छी होती है, सभी की एक जैसी वर्दी। वर्दी को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से ही तो किसी संस्था या समुदाय की पहचान होती है। अब देखो कोई सन्यासी हो, सरदार जी हो, मौलवी साहब हो या कोई पंडित जी हो, जिनको हम दूर से देखते ही पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेशभूषा ही इनकी पहचान है। मनीष भैया एक बात बताओ, यू बात तो कतई सच है कि पहनावे ओढ़ावे को आदमी की छवि पे बहुत अच्छा असर पड़े। पर एक बात बताओ हमें, याके कछु और फायदे भी हैं कि ना? रामू काका फायदा एक हो तो बताएं, इसके तो अनेकों फायदे हैं। हाँ और सबसे बड़ा फायदा है अनुशासन। अब मान लो आप किसी कारखाने में काम करते हो और वहां आप काम करने के लिए ढीले ढाले कपड़े पहनकर चले जाओ, जैसे कुर्ता धोती या पजामा वगैरह। अरे राम जी भला करे आपका। अरे वो हरदेवी का छोरा नहीं था भैया, उसकी तो टांग काटनी पड़ गई। हुआ ये कि हवा से उड़कर उसकी धोती जा फंसी मशीन के पट्टे में। बस भैया क्या था, इतने में उसकी टांग आ गई पहिए के नीचे। अरे बहुत ही नुकसान हो गया। अरे बड़ी खैर हुई जो कि मिस्त्री की नजर पड़ गई उस पर, वरना तो उस बेचारे की जान चली जाती। और जब उसे डॉक्टर के पास ले गए ना, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी टांग काटनी बहुत जरूरी है, वरना तो सारा जहर उसके शरीर पर फैल जाता। इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनके सभी कर्मचारियों को वहां के हिसाब से वर्दी पहननी होती है। और देखो उसमें अपने काम के हिसाब से कपड़े, बेल्ट, हेलमेट, दस्ताने वगैरह सभी कुछ पहनने जरूरी है। हाँ, और उनमें जो है सुरक्षा के साथ साथ एक समानता की भावना भी आती है। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मालदार है तो वो जरी का कुर्ता और शेरवानी पहन के चला जाएगा। सबकी एक सी यूनिफॉर्म होती है। हाँ। ताकि उनमें एक समानता की भावना रहे, चाहे वो गरीब हो या अमीर। हाँ। बड़ा हो या छोटा। देखो इसका एक आर्थिक पहलू भी है, जब हजारों लाखों की तादाद में वर्दियां बनानी पड़ती हैं तो कई अनेकों उद्योग चल पड़ते हैं, जैसे बैज, बेल्ट, जूते, मोजे, टोपी, विसिल आदि अनेकों उद्योग। इससे लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। भैया वर्दी के इस पक्ष के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ भैया, इससे कर्मठता और साफ सफाई भी आती है। बिल्कुल। अब यूनिफॉर्म की बात देखो, जैसे परेड में भाग लेने वालों की कार्य कुशलता, उनका अनुशासन। एक बात बताओ, ये जो दक्षता है ना, ये जो महारत जिसे कहे भैया, ये तो बड़े ही अभ्यास के बाद ही आती होगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है रामू काका, जो नए रिक्रूट्स उनकी शुरू के दिनों में बहुत लड़ाई होती है। सच में घंटों महीनों अभ्यास करने के बाद तब इतनी सफाई आ पाती है उनकी चलने में। और हाँ
हमारे बुजुर्गों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। कोई भी काम हो उसमें अनुशासन बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो, घर हाँ। का काम हो, हाँ। मकान बनाना हो, चाहे सरकारी या प्राइवेट नौकरी हो, हर जगह अनुशासन बहुत जरूरी है और उसी की पूजा भी की जाती है। बिल्कुल ठीक। और राधा जी दूर की बात क्यों लेते हो, कल ही मैं रामू काका के घर गया भाई। अच्छा? वाह कमाल। रामू काका और रजनी काकी दोनों ने मिलकर घर को इतना सुंदर व्यवस्थित और सुसज्जित कर रखा था कि दिल खुश हो गया। सच में हर चीज अपनी जगह एकदम ढंग से रखी हुई, लिपा पुता, हवादार, रोशनी भरा हुआ घर। क्या मजाल की कोई चीज इधर उधर पड़ी हो ना, एकदम कलात्मक ढंग से रखा हुआ घर। सच में रामू काका मन प्रसन्न हो गया कल। भैया जाको मतलब तो यह होवे कि बड़ी धनी पैसों वालों का, अच्छे घर वालों का और अच्छे पढ़े लिखे वालों का रहन सहन अच्छा होवे जरूरी ना है। ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। देखो भगवान ने हम सभी को सद्बुद्धि दी है और सफाई, सुंदरता, सुगढ़ता ये किसे अच्छी नहीं लगती। बस जरूरत है तो आलस छोड़कर काम करने की, पूरा मन लगाकर काम करने की। भैया आपने देखा होगा बॉसों को सड़क के बीच में ऐसे चलेंगे जैसे सड़क उन्होंने खरीद रखी हो। देखो साथियों ऐसा करना एकदम गलत होगा और आपने देखा है आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। बिल्कुल। अरे हाँ मनीष जी, मैं तो आज की एक घटना बताना ही भूल गई आपको। वो क्या? पता है जब मैं घर से पाठशाला के लिए आ रही थी तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सामने से एक ट्रक वाला चला आ रहा था, उसने अचानक गलत मोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे साइकिल के ब्रेक लग गए। बाप रे, नहीं तो आज तो मैं मर ही गई होती। अच्छा ये तो बहुत खैर हुई, लेकिन ऐसा करने वालों को दंड अवश्य मिलना चाहिए। ऐसे ही तो सरफिरे लोग होते हैं जिनकी वजह से अनुशासनहीनता फैलती है। आपने अनुशासन की बात कई दफा की, इसकी चर्चा भी कई दफा की, अनुशासन है क्या ये बता दीजिए ना जरा। हाँ भैया हाँ, अनुशासन का अर्थ हमें जरा खोल कर बताओ। मनीष जी हाँ। आप कहें तो मैं बताऊं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। देखो अनुशासन का अर्थ है व्यवस्थित, नपातुला, समान व्यवहार। मतलब कोई भी काम करो तो समानता से करो, कुशलता से करो और कायदे कानून के भीतर रह के करो। बिल्कुल ठीक कहा। और हाँ साथियों, जीवन में दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी चीज है। भैया आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर सवाल तो यही उठता है कि ये बात हो कैसे। साथियों अनुशासन का पालन करना तो बहुत ही सरल है। अरे भाई ये कोई गणित का कठिन सवाल थोड़ा ही है जो कि समझ में ही ना आए। भैया हमें तो यो बताओ कि अनुशासन के मुख्य बिंदु क्या हैं? शाबाश। देखो अब मैं उन सभी छोटी छोटी बातों को बताऊंगा जिन पर अनुशासन रूपी महल खड़ा होता है। तो आप सबसे पहले ये समझो कि प्रकृति जो हमारी अनुशासन की सबसे बड़ी शिक्षिका है। पर भैया वो कैसे? प्रकृति से मेरा मतलब है चांद, सूरज, नदी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर्वत, ये सभी। आदमी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सबके सब भी तो प्रकृति के हिस्से हैं। बिल्कुल ठीक कहा। देखो साथियों एक आदमी को छोड़कर बाकी सभी चीजें बहुत ही मुस्तैदी से अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। जी। अब आप पृथ्वी को देखो, दिन रात अपनी धुरी पर निरंतर घूमती है जिससे हमें ये दिन और रात मिलते हैं। छोटी छोटी चींटियों को देखो कैसे क्रमबद्ध होकर पंक्ति में चलकर दिन रात आड़े वक्त के लिए खाना इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खियों को देखो कितना शहद इकट्ठा करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं। आकाश में उड़ती हुई सारस, पक्षी सभी तो क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं और यही तो है अनुशासन। हाँ बिल्कुल। अब देखिये ना, आपने देखा होगा कि सूरज हमेशा अपने सही समय में उगता है। अब भले ही आप लोग बिस्तर में पड़े आलस में सोते रहे पर सूरज तो अपने समय पे उगेगा ही ना। यू बात तो सही है, ऐसा ना है कि रेल की तरह या बस की तरह हमारा सूरज टाइम बे टाइम है जाए या लेट लेकर जाए, ऐसा ना है। अब जरा कल्पना करके देखो कि अगर किसी दिन सूरज भगवान 2-4 घंटे देर से निकले तब क्या होगा। हाँ पूरी तरह अव्यवस्था फैल जाएगी। देखो अब आग को ही ले लो, आग क्या कभी अपना गुण धर्म कभी छोड़ सकती है? आपने कभी सोचा है कि आग गर्म होने की जगह ठंडी हो जाए? सोचो अगर आग ठंडी हो जाएगी तो हमारा खाना कैसे बनेगा, रोटियां कैसे सिकेंगी? अच्छा अब एक बात और सोचिए, यदि नदियां बहना बंद कर दें, उनका जल अपनी शीतलता खो दे और आपकी प्यास बुझाना बंद कर दे
तो कैसी आफत आ जाएगी। हाँ, इन सब बातों का इशारा एक ही तरफ है, बिल्कुल ठीक, और वो है अनुशासन। बिल्कुल, अनुशासन का अर्थ है समय का पालन करना। अब देखिए ना, प्रकृति ने दिन बनाया है जागने के लिए और सारे काम करने के लिए, और रात बनाई है सोने के लिए, मतलब विश्राम करने के लिए। साथियों, ये तो बिल्कुल साधारण सा नियम है। हाँ, ये बात ठीक है कि ये नियम हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। जैसे रात्रि के समय ट्रेन, जहाज, ये सब अपने शेड्यूल के हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन सूर्य उदय से पूर्व जागने का नियम बिल्कुल अटल है। और इसके इतने लाभ हैं कि अगर हम लोग गिनने बैठे तो पूरा एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। हाँ, अच्छा आप बताइए कि सूरज उगने से पहले उठने के आपको क्या क्या लाभ हुए। हाँ, रामू काका से शुरू करते हैं। आप बताइए रामू काका सबसे पहले। भैया, मेरी इतनी उम्र है गई। अच्छा, मोए तो आज तक भी थी जो एक भी दिन ऐसा याद ना आए कि काउ दिना में सूरज निकलने के बाद उठो हूँ। अल सुबह उठो मन तन प्रसन्न क्यों रे, और देखो हर एक काम में करने में तुम्हारा मन लगेगा और वक्त की तुम्हारे पे कमी ना होगी, पक्की बात है। यू आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वैसे एक कहावत भी है, जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। आप जानते हैं सुबह सुबह सूरज की लालिमा में उठने से मन क्यों खुश रहता है? दीदी मैं बताऊं, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक रहती है, और जब भी हम कभी घूमने निकलते हैं सुबह, जैसे किसी पार्क में या खेतों वगैरह में, तो उस वक्त हमारे फेफड़ों के अंदर शुद्ध वायु एकदम जाती है जो प्राण वायु कहलाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे, हमारा सारा वनस्पति जगत पशु पक्षियों की तरह ऑक्सीजन सोखने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें आसमान में प्रकट होती हैं, ये बहुत तेजी से ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देते हैं। सामान्य स्वास्थ्य वाला भी सुबह की ठंडी हवा का सेवन करे ना, तो उसके शरीर में नए जीवन का संचार होवे। अरे भैया, हम तो मोटी सी बात यो जाने हैं कि सूरज हम सभी जीवधारियों के लिए भगवान के समान हो गए हैं। अगर सूरज की रोशनी ना होवे तो भैया कुछ भी ना होवे। काका, अगर 2-4 दिन भी सूरज ना निकले ना, तो भैया चारों तरफ हाहाकार मच जावे है। तो भैया, अनुशासन की पहली बात ये हुई कि समय पे जागना और समय पे सारे काम करना, मसलन पढ़ना लिखना, खेती बाड़ी, खेलना कूदना, मनोरंजन, और फिर ठीक समय पे सो जाना। बिल्कुल ठीक बात। जो लोग रात को जागते रहते हैं और सुबह फिर बिस्तर में पड़े रहते हैं, उनकी सेहत कभी अच्छी नहीं रहती, ना रह सकती है, और आगे चलकर उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हैप्पी वेल्दी एंड राइज। हाँ, विशेष परिस्थितियों में इस नियम की कुछ छूट है, लेकिन आम तौर पर जो कहावत में कहा गया है वो बिल्कुल 100% खरा है। तो साथियों, समय की पाबंदी के बाद अनुशासन का दूसरा नियम है कि जो भी करो दिल से करो, पूरे मन से एकाग्रचित होकर करो। और हाँ, अपना वायदा पूरा करना भी अनुशासन है। वो कहा है ना किसी ने कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी, कायदे कानून और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो बात हमें खुद अच्छी नहीं लगती वो निश्चित रूप से दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए तो कहा गया भैया कि आदर करो तो आदर पाओ। अब देखो, जैसे कुत्ते सो या वाली बातें तो अनपढ़ भी जाने। वही तो काका, कि डालोगे ईंट तो खाओगे छींट। तो साथियों, आज से इस बात की गांठ बांध लो, यदि जीवन में अनुशासन है तो सब कुछ है, अनुशासन नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, और यदि हम अनुशासित हैं तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी हम झुका सकते हैं। बिल्कुल सही, अनुशासन एक प्रकार का संयम है, तप है, जिसके बल पर हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अरे हाँ मनीष जी, आज हम लोगों को कहीं जाना भी है ना? अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक। तो आज साथियों, हम लोग पास के गांव वजीराबाद में आदर्श विद्यालय में चलेंगे। जी हाँ। और जहाँ हम अनुशासन और समय की पाबंदी दोनों विषयों के ऊपर और बहुत सी जानकारी हासिल करेंगे, और खेल के माध्यम से भी कितनी तरह के अनुशासन होते हैं वो सब जानेंगे।
प्रिंसिपल साहब, ये अनुशासन पर चर्चा चल रही है, ये केवल आए इस पर रोशनी डाली हो। अनुशासन मतलब अपने को संयम में रखना, अपने को जो चाहे विद्यालय के नियम है, समाज के नियम है, संविधान के जो नियम है उनके अंदर रखना, उनका पालन करना अनुशासन है। प्रिंसिपल साहब, आपने यो कहा कि अपने में संयम रखो, अरे यो बात को समझ में ना आई, जरा समझा कर बतावे। संयम में रखने का मतलब अपने को बिल्कुल नियमों में बांध के करना, ऐसा काम करना जिससे किसी का भी नुकसान ना हो, ना समाज का, ना विद्यालय का, ना किसी देश का। ऐसे नियमों में काम करना, अपने को मतलब बिल्कुल नियमबद्ध करके नियम के अनुसार काम करना ही संयम है। मास्टर साहब, यो बात तो थारे ठीक से, पर थम लाख कोशिश कर लो और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कुछ रईस जात दे और बगड़े नवाब इसे होश हैं जो इस अनुशासन का भट्टा बिठा दे से। तो मास्टर साहब, इसे लोगों के इलाज के लिए थारे धोरे कौन सा तरीका है? आपकी बात सही है, पर ऐसे बच्चों के लिए हम और उनको एक तो जो भी ऐसे नियमों को भंग करता है उनको हमारे अध्यापक, उनको हम समझाते हैं, उसका कारण पूछते हैं वो क्यों ऐसा कर रहा है, और बच्चों को भी देखता है, समझाने से बच्चों को और बच्चों को देखने से वो सब समझ जाते हैं। ऐसे बच्चे कोई विद्यालय के अंदर 10-20 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। कि जो घर के बच्चे हुए बड़े बिगड़े हुए, तो आप मुझे यो बताओ कि ये अनुशासन में आवेंगे तो कैसे आवेंगे? देखिए, ये घर के जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप, कोई दादा दादी, उनके वातावरण को देखकर, उनके काम को देखकर ही बिगड़ते हैं। उनका काम ठीक होगा तो वो सुधरेंगे, जैसा वो करेंगे वैसा वो सीखेंगे। अगर उन बच्चों को सुधारना है तो बुरी आदत उनके माँ बापों को छोड़नी होगी, वो अपने आप सही आ जाएंगे। आप तो ये बताओ कि जो अनुशासन होवे है ये परिवार में, मोहल्ले में लागू कैसे होवे है? देखिए, अनुशासन का कोई नियम नहीं, अनुशासन दूसरों को देख के ज्यादा सीखता है बच्चा, क्योंकि बच्चा शुरू से सीखता है। विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य है, अध्यापकों को देखकर और बाहर के वातावरण को देखकर वो अपने आप को संयम में रखता है। अनुशासन जैसा उसको दिखाई देता है बच्चा वैसा ही सीखता है। स्कूल के सारे बालक एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना करे सर, इसका फायदा क्या हो सर? देखिए, प्रार्थना में करने से एक तो वो जब लाइन में आते हैं तो संयम सीखते हैं। प्रार्थना पे सबको एक सी ड्रेस देखकर सब अपने आप को एक समान समझते हैं, ना कोई उसमें जात पात का, ना कोई गरीब का, ना कोई अमीर का भेदभाव होता। और जो प्रार्थना होती है वो एक अपने आत्मा को शुद्ध करने की, मतलब कोई भी कार्य सुचारू, कोई भी क्लास को वर्क करने से पहले एक अपनी आत्मा को, अपने मन को शांति और शुद्ध करने के लिए। मासा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, ये स्कूल में जो खेलकूद कराना है तो उससे बालक अनुशासन कैसे सीखे? खेलकूद तो अनुशासन की पहली सीढ़ी है। ये खेल में एक दूसरे के साथी खेलते हैं, उसमें नियमों का पालन करते हैं, उसमें एक भावना और आती है, हार जीत में कोई अंतर नहीं, हारने वाला फिर उसमें एक उत्तेजना आती है कि अब मैं आगे सफल होऊंगा, ये ऐसी भावना जागृत होती है जो बड़ी उसके लिए हितकारी होती है। मास्टर जी, ये अनुशासन तो बहुत अच्छी चीज है, हमने तो आज बेरा पढ़ा से अनुशासन क्या है न क्या है, अब तो हम भी अनुशासन में रहेंगे और हमारे बालक। आप सभी का विद्यालय में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूटी का टाइम है, तुम 10 बजे सोकर उठ रहे, चलो काम पर।
यार दो आदमी एक साथ सुबह सुबह रोते हुए निकल रहे हैं। भाई साहब जी मैं बाद में बताऊंगा, आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, 200 रुपए का चलान हो गया भाई साहब। 200 रुपए का चलान हो गया? पता ही कुछ नहीं। मगर किसने कर दिया भाई साहब? पुलिस वाला करेगा और कौन, पता ही कुछ नहीं। पुलिस वाले ने कर दिया? और लेकिन भाई साहब क्यों कर दिया? कर देते हैं भाई साहब, बड़े बदमाश होते हैं। मैं स्कूटर तेजी से चला रहा था। अरे लेकिन भाई साहब आप स्कूटर तेजी से चला क्यों रहे थे? अरे भाई साहब मुझे ड्यूटी पे जल्दी पहुंचना था। ड्यूटी पर? अरे यार लेकिन ड्यूटी पर जल्दी पहुंचना था भाई साहब, मैं देर हो रही थी मुझको इसलिए जल्दी पहुंच रहा था। लेकिन भाई साहब लेकिन देर हो रही थी भाई, क्यों देर हो रही थी? भाई साहब देर इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं देर से सो के उठा था, आपने तो मेरी चला नहीं खा ली है यार। और लेकिन भाई साहब वो आप देरी से सो के क्यों उठे? वो देरी से तो मेरी मर्जी यार, मर्जी यार। और आप देरी से सोते क्यों यार? देखा देखा आपने, एक तो देरी से सो के उठता है, तेज सकूटा चलाता है, पुलिस वाले ने 200 रुपए ले लिए तो रोता हुआ सड़क से आ रहा है। भाई साहब आप गलती करोगे तो पुलिस वाला चालान काटेगा ही ना। ओ भाई साहब 200 रुपए का चालान हो गया, मैं सच बता रहा हूँ। ओ भाई साहब अगर आप अनुशासन में रहते ना और ठीक से स्कूटर चलाते, ठीक से आगे जाते तो चालान नहीं होता, ये अनुशासन की वजह से हुआ है। मेरी पत्नी मेरे को धक्का वक्का वैसी थोड़ी देती है, क्योंकि मैं भी गड़बड़ी करता हूँ। काम हमारे जो भी हो वो मर्यादा से वंदित हो, अनुशासन से प्रेरित हो और मानव हित को अर्पित हो। यही नीति जानी मानी कल्पना नहीं सपने, यही नीति जानी मानी कल्पना नहीं सपने। ये है ना साक्षर में दिल, ये है ना साक्षर में दिल, ये है नौ साक्षर महफिल, ये है नौ साक्षर महफिल। ताऊ मैंने जो आपको बताया क्या वो आपको समझ में आ गया? हाँ बेटा आ तो गए समझ अच्छी तरह। बताऊ लाल बत्ती को मतलब है बेटा कि अपनी गाड़ी जो है वह रोक दो, और पीली बत्ती को मतलब भी यू ही है कि भाई अपनी गाड़ी है धीरे धीरे रोको, और जो हरी बत्ती है वह को मतलब है कि अपनी गाड़ियां लेके भाग लो। ताऊ हाँ ये जो पट्टी देख रहे हो आप सफेद, हाँ भाई इसका मतलब है, इसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। अच्छा जेब्रा क्रॉसिंग, यानी इसी के ऊपर से होके जाओ। इसका मतलब है कि अगर आपको सड़क पार करनी है तो इसके ऊपर से कीजिए, इधर उधर से नहीं। समझ गए भाई, चलो फिर चले इसी पर से चले। आजकल हम देखते हैं कि हमारे देश में इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़कों पर, इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात के नियम बनाए गए। अच्छा साहब जी ये बताओ, हमने बहुत से जो चौराहे नहीं होते चौराहे, उस पे देखा कि बच्चा नहीं होता वो बैग लेके भागता दिखाई देता, तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सड़क पर कुछ दूरी पर स्कूल है, इसलिए अपने वाहन की गति को धीमा रखें। साहब जी सड़कों पर रेल की पटरी का एक बोर्ड सा लगा रहा है, तो वो क्या हो है? उसका मतलब क्या हो है? इसका मतलब है कि कुछ दूरी पर चलने के बाद रेल की पटरी है, इसलिए अपने वाहन की गति को धीमा रखें। बाबू जी एक बात बताओ, ये जगह जगह पे गाड़ियों के फोटो लगे हुए हैं ना, स्कूटर रिक्शा ये तिरक, उनके आगे गिनती से लिखे हुए 40, 50, 60, ये काय को लिखे हुए? इसका मतलब है कि अपने वाहन की गति को अगर 40 लिखा है तो 40 या उससे नीचे रखें, और अगर 60 लिखा है तो 60 या उससे नीचे रखें। कदम से कदम मिला
है।